प्रकृति ने इस दुनिया में इतनी सुंदर और रहस्य से भरे स्थानों का निर्माण किया है जो हमारे सोच से बहुत ही परे है, और उन्हीं में से सुंदरता से भरे एक स्थान झरने भी हैं, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही है। इन झरनों की पानी के गिरने की आवाज और इनका बहाव हमारा मन मोह लेता है। और आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ बहुत ही बेहद सुंदर झरनों के बारे में बात करेंगे, जिसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जिनमें से कुछ जगह तो भारत में भी है जहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। नंबर 1, इगाजू फॉल्स। ये झरना वास्तव में इगाजू नदी पर है जो ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा पर है, जो दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक है। ये झरना लगभग 3 किलोमीटर तक फैले सैकड़ों व्यक्तिगत झरनों की एक श्रृंखला है। बेहद ही सुंदरता से भरा यह झरना लगभग 70 मीटर नीचे तक गिरता है, जिसका पानी दृश्य और उसका ध्वनि प्रवाह वास्तव में बहुत ही अद्भुत है। नंबर 2, विक्टोरिया फॉल्स। ये बेहद ही खूबसूरत झरना अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच सीमा पर एक बहुत बड़ा झरना है, और स्थानीय रूप से इस झरने को द स्मोक द थंडर्स के नाम से जाना जाता है, और बरसात के दिनों में तो इसका नजारा और भी सुंदर दिखाई पड़ता है। ये झरना लगभग 1700 मीटर चौड़ाई वाला है जो 100 मीटर तक गहरा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब इस झरने की खूबसूरती और हरियाली धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से इसका पानी लगातार कम होता जा रहा है, और वहां की सरकार का ये कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग ही इसका सबसे बड़ा कारण है। नंबर 3, दूध सागर फॉल्स। ये झरना भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से भी एक है। वैसे तो भारत में घूमने और प्रकृति का आनंद लेने के लिए एक से बढ़कर एक जगहें हैं, और उनमें से ही एक हमारा दूध सागर भी है, जो प्रकृति का बनाया हुआ एक बहुत ही सुंदर सा नमूना है। और इस सागर को यूं ही दूध सागर नहीं कहा जाता है, बल्कि इसे कुछ दूरी से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो कोई दूध की नदी बह रही हो, जिसकी खूबसूरती देखने के बाद आपका मुंह और आपके आंखें दोनों खुली की खुली रह जाएंगी। इस झरने की सबसे खास बात यह है कि ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे सुंदर और लोकप्रिय झरनों में से भी एक है, जो 310 मीटर ऊंचा और 30 मीटर चौड़ाई वाला है। यह झरना सबसे ऊंचे झरनों की सूची के मुताबिक भारत में 5वें नंबर पर और जबकि विश्व में 227वें नंबर पर है। इतना ही नहीं बल्कि इतने हजारों फीट ऊपर से गिरने वाले झरने के बीच से ट्रेन भी गुजरती है, जो पर्यटनों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, और यहाँ बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। नंबर 4, एंजल फॉल्स। एक बड़े से पर्वत से निकलता हुआ एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा जल प्रताप है, जो कि दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में कोरोनी नदी पर स्थित है। 979 मीटर ऊंचाई वाले इस झरने से गिरने वाला पानी धुएं के रूप में बदल जाता है, जो कि झरने को एक और खूबसूरती प्रदान करता है। ये झरना 807 मीटर गहरा भी है, यानी अपनी ऊंचाई से थोड़ा ही कम गहरा भी है। ये झरना विश्व के 4 सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। अगर आप यहाँ पे घूमने का मन बना रहे होंगे तो बता दें कि अक्टूबर का महीना यहाँ के मौसम और वातावरण के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन ये यात्रा इतनी भी आसान नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक कदम फूक फूक के और सावधानी से रखना पड़ेगा, क्योंकि इतने ऊंचे झरने से अगर आप कभी गिरते हैं तो आपकी हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। नंबर 5, हमारे लिस्ट का सबसे अंतिम और सबसे खास झरना, रूबी फॉल्स। ये झरना पूरी तरह से आपका मन मोह लेगा, क्योंकि ये इतना सुंदर है ही। ये झरना गुफाओं के बीच में है, जिसका दृश्य बेहद ही सुंदर है। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो किसी ने अपने हाथों की बहुत सुंदर कलाकारी से बनाया हो, लेकिन ये बिल्कुल ही प्राकृतिक झरना है। ये झरना अमेरिका में है, जो कि 1120 फीट ऊंचा है। वैसे वैज्ञानिकों की माने तो ये लाखों वर्षों पूर्व चूना पत्थर की ये गुफाएं समुद्र में डूबी हुई थी, जो समय के साथ साथ जमीन से बाहर निकलती आई। इस झरने की सबसे खास बात जमीन के अंदर गुफाओं में स्थित होना है। इस गुफा के अंदर LED का प्रयोग किया गया है, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है, और यात्रियों के लिए तो ये एक आकर्षण और उत्सुकता का केंद्र भी है। अगर आपको ऐसी बहुत ही सुंदर जगहों पर घूमना पसंद है तो इस जगह पर आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। और हाँ, अगर आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और कमेंट में ये भी बता दीजिएगा कि आपको इन सभी जगहों में से कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी है।